सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग बढ़िया वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल फॉर कमिंग टू दिस लेवल आई होप आपको एनर्जी का एक डिफरेंस समझ में आना होगा एक आपको एक मोटिवेशन मिला होगा इतने सारे आपने जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट किया आप में से भी कुछ लोगों का फेलिसिटेशन हुआ वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल अभी टाइम तो हमारे पास बड़ी मुश्किल से बीस uh, ही मिनट बचे लेकिन मैंने शशांक सर से बात किया सर दस मिनट तो दो बजे तक के हम लोग आज हाफ एन आवर का एक शॉर्ट सेशन लेंगे सब्जेक्ट का थोड़ा सा इंट्रो उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सब्जेक्ट में डाइव करेंगे क्योंकि टैक्सेशन ये जो सब्जेक्ट है आ, आपके फाउंडेशन लेवल पे तो है नहीं इंटरमीडिएट लेवल पे जो है उसको स्विमिंग पूल के जैसा हमको ट्रीट करना है विथ लिमिटेड डेथ लिमिटेड विथ एंड लिमिटेड ब्रेथ लिमिटेड उसकी लेंथ स्विमिंग पूल की तरह हमको ट्रीट करना है क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक तालाब की तरह होता है सी ए फाइनल इनकम टैक्स इज लाइक अ पॉन्ड लाइक अ लेक काफी फैला हुआ एंड उसके आगे बढ़ते हैं जब हम लोग सी ए बन के प्रैक्टिस में जाते हैं तो हमको समझ में आता है अरे इनकम टैक्स तो पूरा एक ओशन है पूरा ओशन है जिसका कोई डेप्थ भी नहीं मेजर कर सकते हैं जिसका कोई विथ नहीं कोई ब्रेथ नहीं कोई लेंथ नहीं इतना वास्ट है इसमें जितना आप घुसोगे उतनी आपको नई नई चीजें पता चलती जाएगी एंड दिस इज द मोस्ट डायनेमिक सब्जेक्ट द मोस्ट डायनेमिक सब्जेक्ट विच यू विल एवर स्टडी इवन आफ्टर बिकमिंग अ चार्टेड अकाउंटेंट इफ यू प्रैक्टिस इन दिस फील्ड यू विल हैव टू बी वेरी वेरी डायनेमिक बाकी सब चीजें क्या है कंसेप्ट बन जाते चलते रहते ये लॉ है और ये भी ऐसा लॉ है जो हर साल कम से कम एक बार बदलते रहता है कम से कम एक बार मैंने कहा ये क्या है मेरे साथ मेरे हाथ में इनकम टैक्स एक्ट देखा है कभी आपने हाँ अभी जस्ट देखा सर सो <laughs> so, हम लोग सी ए फाइनल का ये सिलेबस है सी ए फाइनल करना है क्या जाने दे यार बहुत <laughs> सिलेबस है सो इनकम टैक्स एक्ट होल इज इन दर सी ए फाइनल अभी इंटरमीडिएट लेवल पे जब हम टैक्सेशन पढ़ेंगे तो नॉट एवरीथिंग बट ऑपरेशनल लेवल के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन हैं वो हमारे कोर्स में हैं इनफैक्ट टैक्सेशन का ये फाउंडेशन लेवल है जैसे आपका अकाउंटिंग या लॉ का फाउंडेशन लेवल पिछली बार हो गया था टैक्सेशन के लिए ये फाउंडेशन लेवल है ऐसे ट्रीट करो जैसे आपका अकाउंटिंग का अगर पुराना बेस अच्छा था तो अब फायदा होगा वैसे टैक्सेशन का अभी अगर बेस अच्छा बन गया तो सीए फाइनल में बहुत फायदा होगा नी ऑफ माई स्टूडेंट्स जिन्होंने फाइनल में डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट दोनों सब्जेक्ट की क्लास नहीं किया बस उनको पढ़ना कैसे यह जम गया एंड दे है फर्स्ट गो विथ एग्जन इन टैक्सेशन क्योंकि टैक्स इतना डायनेमिक है आज क्या है वो तो आप आज पढ़ लोगे बट जब तक के आपको उसका क्यों नहीं पता उसका वाय नहीं पता तो तब तक के आपकी ग्रिप नहीं बनेगी सब्जेक्ट पे क्योंकि हो सकता है कल हमारे प्रधानमंत्री जी स्पीच देंगे मित्रों आज से ये बन, आज रात रात से से बंद वो चालू या हमारे हम लोग तो चेंज कर दिया तो हमको टैक्स क्यों है कैसे है ये पहले पता रहना चाहिए एंड उसके बाद क्या है जब भी हम लोग कोई सब्जेक्ट को अप्रोच करेंगे स्पेशली इस टाइप के डायनेमिक सब्जेक्ट को तो जिस स्टूडेंट का वाई क्लियर है गि स्टूडेंट का वाई क्लियर है वाई वी आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट एंड वॉट इज दिस ऑल अबाउट टैक्सेशन क्यू है जो भी हम प्रोविजन पढ़ेंगे प्रोविजन आया ही क्यू सो so, उससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल पर बहुत फर्क पड़ेगा देन हाउ वो जो ऑब्जेक्टिव था वाई वाला उसको फुलफिल करने के लिए क्या क्या तरीके अपना सकते थे दोज आर द हाउस तो पहले वाई से बात शुरू करना है हमको जैसे आप लोग सीए कोर्स में आए जैसे सीए कोर्स है इसलिए नहीं आ गए कुछ कारण होगा इसलिए सीए कोर्स में आए फिर आपने रास्ता ढूंढा कि कैसे अच्छा ये तरीका होता है क्लास लगाना होता है फिर हम लोग सीए फाउंडेशन देते हैं ये हाउ फिर व्हाट मतलब व्हाट आर एग्जैक्टली द डिटेल्स एक एक सब्जेक्ट बताओ हम पढ़ते हैं पहले ही ऐसा नहीं कि पहले ही व्हाट से शुरू किया जो स्टूडेंट व्हाट से शुरू करते तो सीए कर रहा चल मैं भी कर लेता तो वो शायद आगे कंप्लीट नहीं करता सो so, वाई के बाद आता है हाउ एंड हाउ के बाद आता है वॉट द वॉट ऑफ इट मे कीप ऑन चेंजिंग विल कीप ऑन चेंजिंग इनफैक्ट आपकी एग्जाम नवंबर 2020 में आएगी इसके बाद अगली एग्जाम के लिए ही जो वॉट है वो चेंज हो जाएगा आज से पांच दिन पहले एक फरवरी को जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पीच दिया उसमें वॉट वाले बहुत सारी चीजें चेंज कर दिया वाई को कभी चेंज नहीं कर सकते टैक्स क्यों है वो भाई पिछले 500 साल पहले भी जिस रीजन से था उसी रीजन से आज भी है हाउ यस yes. उसमें हम लोग चेंजेस थोड़े बहुत कर सकते हैं बट ब्रॉडली एज यू नो दैट आर टू वेज इन टैक्स कैन बी इट दो टाइप के टैक्सेस होते हैं कौन से दो टाइप के टैक्सेस होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ये तो हाउ तो सबको पता है वाई भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे तो सामने आ जाएगा जो कि फिक्स है बट द वॉट विल कीप ऑन चेंजिंग हम लोग इस क्लास में सिर्फ अगर वोट पढ़ के निकल गए तो शायद आप एग्जामिशन भी स्कोर कर जाओ लेकिन जैसे ही आर्टिकलशिप में जाओगे अगले साल आपका फेब्रुवरी फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा आप आर्टिकलशिप में जाओगे इंटरव्यू में वो लोग आपको इस साल एग्जाम में क्या आया था वो नहीं पूछेंगे नया क्या एप्लीकेबल है वो पूछेंगे सो द थिंग इज कि आप एक ईयर की पढ़ाई कर रहे हो एग्जाम उसके हिसाब से दे रहे हो लेकिन आप एग्जाम तो नेक्स्ट ईयर में पास कर रहे हो तो तब तक के नया लॉ एप्लीकेबल हो जाता है सो यू नीट टू बी

जो था उसकी जगह नया ला दो उसके अलावा कोई चेंज ही नहीं हो सकता है तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि चलो मैं फाइनेंस बिल उठाता हूं उससे बेर से देख करके मैं करेक्ट कंक्लूजन दे पाऊंगा बिकॉज बीग अ चार्टेड अकाउंटेंट आई के नॉट टॉक वेगली और लूजली इज इट चलेगा मैं कुछ भी बोल दूंगा हाँ टैक्स रेट कम हो गए हैं तुमको भरना है भरो आई हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि टैक्स रेट कम हुए हैं लेकिन साथ साथ कुछ कंडीशंस भी अटैच्ड हैं कौन सी कंडीशंस आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट तो लोग मेरी बात पे ट्रस्ट करते हैं तो मैंने उसी का दो तारीख को संडे का दिन था ये क्लासरूम खाली था तो मैंने दोपहर में आकर के डेढ़ घंटा बैठ के उसका बढ़िया वीडियो रिकॉर्ड किया और यूट्यूब पे डाल दिया मेरे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे कुछ कजिन्स हैं जो लोग पूछ रहे थे कि अभी क्या चेंजेस आगे हमको समझ नहीं आ रहा मैंने सबको वीडियो का लिंक भेज दिया कि तुम ये देख लो सब क्लियर हो जाएगा एंड दे अप्रीशियटेड इट कि हाँ अब जो चेंजेस जो कन्फ्यूजन्स हैं वो उससे समझ में आ जाते हैं आपको एकदम से वो वीडियो पूरा समझ में शायद न आए क्योंकि आपको बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं आईडिया कि भाई पहले क्या है लेकिन द गुड थिंग इज अभी जो प्रोविजन है आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल वो पूरे पुराने वाले ही हैं जो बजट इस साल अनाउंस हुए हैं जीएसटी को छोड़ दे तो इनकम टैक्स के जो प्रोविजन है वो सिर्फ अगले एग्जाम से मे 2021 से एप्लीकेबल होंगे अनलेस समबड़ी ऑफ यू इज प्लानिंग कि नवंबर देख के देखते मे में अच्छे से देंगे ऐसा किसी का है नवंबर में करना है तो आप लोगों को वो नए वाले प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है फिर भी मैं आपको आपके नोट्स में कहीं नहीं दूंगा लेकिन मैं आपको आइडिया दे दूंगा पढ़ाते वक्त एंड जब पूरा हमारा इनकम टैक्स कंप्लीट होगा फिर आप वो वाला वीडियो देख लेना तब तक छह महीना पुराना हो जाएगा वीडियो चार महीना पुराना हो जाएगा आप वीडियो देखना आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि नया प्रोविजन क्या है बिकॉज बींग अ टैक्स स्टूडेंट देन अ टैक्स एक्सपर्ट प्रोफेशनल आप स्टूडेंट से प्रोफेशनल बनने जाओगे ट टू बी अपडेटेड यूनिट टू बी करंट ओके आज अगर मैं कोई क्लाइंट को आज से तीन साल पहले वाले टैक्सेशन लॉ पे सलाह दूंगा तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है हाँ, मेरा पुराना एक्सपीरियंस मैं यूज जरूर कर सकता हूं जैसे मैं पिछले सात साल से टैक्सेशन पढ़ा रहा हूं तो हर बार जो चेंजेस आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं मैंने तो सर्विस टैक्स से जीएसटी आते हुए देखा है तो वो सब जो पूरा ट्रांजेक्शन है वो एक्सपीरियंस मुझे बहुत काम में आता है टू टीच द करंट प्रोविजन बिकॉज आई नो ऑल ऑफ द बैकग्राउंड तो हम लोग सभी चीज पढ़ेंगे इस लेवल पे सीधा हम लोग एक्सपर्ट लेवल या समुन्दर वाली बातें नहीं करेंगे हम लोग पहले स्विमिंग पूल में कैसे रॉड पकड़ के हम लोग प्रैक्टिस करते हैं स्विमिंग सीखा होगा आपने किसी ने पहले तो सिर्फ कोच के गाइडेंस में ट्यूब लगा करके रॉड पकड़ के सिर्फ आप आ, किकिंग करते रहो फिर धीरे धीरे बबलिंग करो फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा छोड़ते हैं जहाँ पर डेप्थ कम है फिर थोड़ा सा जहाँ पर डेप्थ ज्यादा है बट सुपरविजन में हमारा इस लेवल पे सुपरविजन वाला ही काम है आपको खुला नहीं छोड़ रहे कि स्टडी नहीं दे रहे कि लो सॉल्व करो क्लाइंट को एडवाइस दो थोड़ी बहुत चीजें तो सीए फाइनल के रखना चाहिए तो वो चीजें सीए फाइनल के लिए है एट दिस लेवल यू आर एक्सपेक्टेड टू गेन अ वर्किंग नॉलेज ऑफ टैक्सेशन राइट अभी हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं सिर्फ आप लोगों को टैक्स के बारे में क्या क्या आइडियाज है वो जानना चाहूंगा सो दैट आई कैन टेक ऑन द क्लास फ्रॉम देयर थोड़ी सी ही हम बात कर पाते हैं अभी इतने कम समय में ऑलरेडी आप इतने हेवी सेशन के बाद उठे हो इतना सारा सब लोगों ने बहुत सारी बातें बोली वो भी तो प्रोसेस करना है एंड इट वॉज रियली इंस्पायरिंग मुझे तो खुद ये सेशंस में रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो आ, अभी हम लोग बहुत जनरल बात करते हैं आपको बुक में से कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है वैसे बुक्स की बात कर ले एक बार आप में से किसी किसी स्टूडेंट को इनकम टैक्स की दो बुक्स मिली होगी किसी किसी को ये तीसरी बुक मिली तीसरी बुक देखिए मैं आपको बता देता हूं आपके लिए बुक्स कौन सी कौन सी हैं इनकम टैक्स की ये है मॉड्यूल वन ओके दूसरी है किसी के पास कोई कोई बैग में होगी क्योंकि ट्वेंटी फाइव बैग में वो थी मॉड्यूल टू शायद आपके बैग में सिर्फ ये होगी इनकम टैक्स की मॉड्यूल वन ओके देन इसके अलावा ये बुक सिर्फ आधी इनकम टैक्स है आपके सिलेबस में क्या है आपको पता है ना इनकम टैक्स और जीएसटी जीएसटी की बात करते यह है इनकम टैक्स का आधा पार्ट फिर इतना ही बड़ा है इनकम टैक्स का और एक पार्ट मॉड्यूल टू ओके इनकम टैक्स मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू इसमें पहले छह चैप्टर है उसमें अगले आखिरी के नौ चैप्टर है सात से लेकर पंद्रह आखिरी के छोटे 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 चैप्टर है तो ऐसे दो बुक्स और एक और बुक आपको मिलेगी थोड़ी बहुत वहां पर आ गई थी आपको शायद आज टाइम नहीं इसलिए आज नहीं बंटवा रहे कल बंटवा देंगे इनकम टैक्स की एमसीक्यूज की बुक जिसमें टोटल 700 से ज्यादा एमसीक्यूज है जिसमें से 400 से ज्यादा मैंने खुद ड्राफ्ट किए हैं एमसीक्यूज इन एवरी चैप्टर देर आर मेनी एमसीक्यूज विच आई हैव ड्राफ्टेड देन सीए इंस्टीट्यूट के भी है एंड uh, बहुत सारे जो अलग अलग पब्लिकेशन सीए इंस्टीट्यूट के आते हैं आर टी पी एम टी पी सैंपल पेपर सैम्पल क्वेश्चन देन स्टडी मटेरियल सबके एमसीक्यूज इसमें इंक्लूडेड है चैप्टर वाइज एंड जो मेन बुक है ये तो इतनी जबरदस्त है मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक एक चीज मेटिकुलसली अपडेट करता हूँ ओके okay, आपको मैं कभी मेरे लैपटॉप खोल के एक्सेल शीट दिखाऊंगा कि किस लेवल से काम होता है एक एक चीज पे कैसा कंट्रोल रखा जाता है कि वो नोट्स में आई कि नहीं आई सिमिलर क्वेश्चन पहले था तो डबल नहीं आना चाहिए उसमें सिमिलर मार्क कर दिया ये सब कंट्रोल रहता है आपकी बुक में 2002 से लेकर के अभी तक के नवंबर 2019 तक के जितने क्वेश्चंस पूछे गए वो वेल well इंक्लूडेड है ओके okay? हाँ इनकम टैक्स की ये नोट्स में मॉड्यूल वन और मॉड्यूल टू में नवंबर 19 के नहीं रहेंगे वो अलग से आपको उसका क्वेश्चन सेट मिल जाएगा उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दिया है नवंबर 19 के क्वेश्चंस का क्योंकि ये बुक पहले पब्लिश हो चुकी थी लेकिन जीएसटी में तो आपको नवंबर 19 के भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड रहेंगे अभी मैंने रिसेंटली आप में से किसी किसी की अर्ली बर्ड बैच लिया तो आप लोग को पता है कि जीएसटी की बुक में जीएसटी की बुक लाया है कोई आज नहीं लाया अर्ली बर्ड वाले बोले हो गया जीएसटी खत्म सो गुड जीएसटी की बुक में नवंबर नाइनटीन के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है देन एज वी गो ऑन ड्यूरिंग द क्लासेस मे महीना भी आएगा तब हमारी क्लास चलते रहेगी मे एग्जाम के जो क्वेश्चन रहेंगे उसी को हम लोग इमीजिएटली नेक्स्ट डे क्लास में सोल्व करेंगे सो दैट यू गेन कॉन्फिडेंस की हाँ हम जो पढ़ रहे हैं एग्जाम में भी तो उसी में से आ रहे हैं एंड पिछले तेरह या चौदह एग्जाम्स हो गई जब से मैं पढ़ा रहा हूं एंड हर बार पूरे क्वेश्चन हमारे बुक में कवर्ड रहते हैं एवरीथिंग इज वेल कवर्ड दैट इज द रीजन वाई सो मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन स्कोरिंग एग्जामिशन एंड गेटिंग ऑल इंडिया रैंक्स ओके okay, तो कोई उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सबसे बड़ी दिक्कत इनकम टैक्स की ही बुक की रहती है क्योंकि सर चार्जेस में चेंजेस किए तो वो जो मॉड्यूल टू आपको मिलेगी उसमें वो पूरे चेंजेस बराबर इंक्लूडेड है तो आपको वेल अपडेटेड मटेरियल से पढ़ने मिल रहा है जिसमें क्वेश्चंस भी सब कवर्ड है इतनी मेहनत है कि आपकी मेहनत आपको कम लगे आपको खुद की मेहनत कम करना पड़ेगा ओके दैट मच वी हैव डन फॉर यू ये ये तीन बुक्स हो गई सब पढ़ के कितने मार्क्स मिलेंगे अपने को 60 मार्क्स तीन बुक्स पढ़ के सिक्सटी मार्क्स तो इसलिए रिमेनिंग फोर्टी मार्क्स कितनी बुक पढ़ना चाहिए दो बुक बराबर है ना साठ मार्क के लिए तीन बुक तो चालीस मार्क के लिए दो बुक मैथ्स में तो अच्छे हो या आप लोग नीरज सर के स्टूडेंट्स हो तो चालीस मार्क के लिए दो बुक्स एक है जीएसटी की मेन बुक और एक दूसरी है जीएसटी की एमसीक्यूज बुक जिसमें भी साढ़े तीन सौ के अराउंड एमसीक्यूज हैं टोटल आपको एक हजार से ज्यादा एमसीक्यूज में प्रोवाइड कर रहा हूं क्योंकि आपके टैक्स के पेपर में थर्टी परसेंट एमसीक्यूज रहने वाले हैं इनकम टैक्स में साठ में से थर्टी परसेंट अठारह मार्क्स के और जीएसटी में चालीस में से थर्टी परसेंट बारह मार्क्स के एंड एमसीक्यूज विल नॉट बी ऑप्शनल एमसीक्यूज में चॉइस रहेगी लेकिन एमसीक्यूज की चॉइस नहीं रहेगी समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं जो एमसीक्यूज आएंगे वो पूरे करना है बट द गुड न्यूज इज शीट नेगी उसमें भरना है लेकिन एमसीक्यूज से मार्क्स बन भी सकते हैं बिगड़ भी, भी सकते हैं क्योंकि एमसीक्यूज कुछ कुछ एमसीक्यूज टोटल तीस मार्क है तो सात से दस एमसीक्यूज दो मार्क के रहेंगे सेवन टू टेन एमसीक्यूज विल बी ऑफ टू मार्क्स तो चौदह से बीस मार्क आपके उसमें कवर हो गए रिमेनिंग दस से सोलह एमसीक्यूज एक मार्क के रहेंगे इनकम टैक्स जीएसटी में दोनों कुछ दो मार्क के कुछ एक मार्क के अब दो मार्क वाला एमसीक्यू थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा ट्रिकी रहेगा जम गया तो पूरे दो मिलेंगे नहीं तो जीरो तो उसमें आपको स्कोर करना है यू शुड टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी ओके इसलिए मैंने इतने सारे एमसीक्यूज दिया कि अभी से आप एक एक चैप्टर जैसे जैसे होते जाएगा उसकी प्रैक्टिस करते जाओ क्लास में हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे इनकम टैक्स में, में, में 500 से ज्यादा क्वेश्चंस है एंड जीएसटी में 200 से ज्यादा क्वेश्चन है तो वेरी वेल कवर्ड नोट्स है अपने आ, कोई स्टूडेंट गलती से अभी क्लास नहीं लगाता है तो चार महीने बाद उसको समझ में आता है बुक यहां से ही आकर लेकर जाता है जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं हम उससे पचास बुक ज़्यादा छपवा के रखते हैं क्योंकि हमको पता है कि बच्चे बाद में सिर्फ बुक खरीदने को आएंगे फिर एडवाइस लेने आते हैं, सर अब हम कैसे पढ़ें तो जब बुक जो ऑथर ने लिखी है आप उसी के अप्रोच से पढ़ोगे तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है सो मैं आपको बुक की जो कंसेप्ट है उसको यहां पर चार्ट्स के फॉर्म में एक्सप्लेन भी करूंगा जिससे आप अपने नोट्स अपडेट करोगे ठीक है और बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ना है हर एक चैप्टर में एक ही तरीका लगा सकते ऐसा भी नहीं है हाँ एक चीज तो कांस्टेंट है जो शर्मा सर ने भी पक्का बोला होगा कि इसको समझना चाहिए यू हैव टू फर्स्ट कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड वॉट एवर प्रोविजन आर देयर और फिर यस yes, कुछ कुछ चीजें हम लोग जहां जरूरी रहेगा थोड़े कुछ चीजें याद भी कर लेंगे अकाउंट्स में कुछ याद नहीं किया तो चल जाता है कॉस्टिंग में चल जाता है बट टैक्स में कुछ कुछ जगह याद करने की भी चीजें रहेगी उसके लिए भी इतने बैचेज से पढ़ाते पढ़ाते मैंने बहुत सारे एक्रोनिक्स बना लिए हैं बना लिए तरीके बना लिए हैं बट उसको मैं हमेशा सेकेंड इंपॉर्टेंस देता हूं पहला प्रायोरिटी रहता है कि भाई पहले समझो फिर उसको की ध्यान रखो और अपने लैंग्वेज में फिर लिखने की प्रैक्टिस करो एंड एज बी टोल्ड यू आपकी रेगुलर क्लास टेस्ट रहेंगी एज ऑफ नाउ वी आर थिंकिंग कि आपकी हर मंडे एंड हर थर्सडे एक एक टेस्ट रहेगी बाई डिफॉल्ट एवरी मंडे एवरी थर्सडे मंडे थर्सडे मंडे थर्सडे क्लासेस रेगुलर रहेगी टाइमिंग पे शाम को पौने चार बजे क्लास खत्म होने के बाद आपकी टेस्ट रहेगी ओके तो आपको टेस्ट उसके बाद में देना है एंड ईमानदारी से जो स्टूडेंट टेस्ट देंगे जैसे आज बोधग्रुप वालों को आपने देखा फर्स्ट ग्रुप में कितना अच्छा स्कोर किया सबने आप मेरे से पूरे स्टैटिस्टिक्स मांग सकते हो फर्स्ट ग्रुप में सबके जो पास हुए हैं बोधग्रुप फर्स्ट ग्रुप में उन्होंने ज्यादा स्कोर किया है एंड उसमें भी टैक्सेशन में आप देखना बहुत अच्छे स्कोर है एंड सेकंड ग्रुप में कई लोगों को 200 से कम है तो भी उनको सेट ऑफ में निकल गया तो अभी जो पहले के तीन साढ़े तीन में चार महीने का जोश है इसको पूरा कैपिटलाइज करो फिर क्या है फिर तब तक अगर हम मेहनत नहीं किए फिर तो और मौसम भी हो जाएगा नागपुर की गर्मी मई जून फिर बोलोगे नहीं अब एक ही ग्रुप करते हैं फिर एक ग्रुप भी गड़बड़ हो जाएगा सो वी वुड रिकमेंड कि बिल्कुल सिंसियरली एडवाइस को फॉलो करो वी हैव लॉट ऑफ होप आई एम फाइंडिंग वंडरफुल एनर्जी विथ यू पीपल ऑलरेडी अर्लीबर्ड बैच में कुछ स्टूडेंट्स से मैं मिला फाउंडेशन के कैम्प में मिला देन काउंसलिंग वगैरह में आप लोग आए सेशंस में आए आई एम रियली इंप्रेस्ड बाय द काइंड ऑफ एनर्जी दैट यू ऑल आर कैरिंग और कभी कभी कुछ कुछ रूम्स में जाके लगता है कि यार ये बच्चों को तो इंटरेस्ट ही नहीं है बट आपको मैंने कहा कि हम 20-25 मिनट पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे तो आप लोग ने रेडीली बोला कि हां पढ़ेंगे दैट इज रियली गुड टू सी वो ना बोलते नहीं सर आज रहने दो ना कल से ही स्टार्ट करते हैं सो दैट इज द गुड पार्ट अबाउट योर इसी को आखिरी दिन तक बरकरार रखो आपका भी रोल है मेरा भी रोल है मैं मेरी तरफ से हंड्रेड परसेंट दूंगा मैं हमेशा एक फॉर्मूले में बिलीव करता हूं दैट देर आर नो बैड स्टूडेंट्स देर आर ओनली बैड टीचर्स तो अगर कभी कुछ नहीं चल रही है बात सही तरीके से तो आपकी गलती नहीं है गलती मेरी है जिम्मेदारी मेरी है तो मैं उसको रेक्टिफाई करने की पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकता हूं लेकिन आपकी तरफ से सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप मुझे कम्युनिकेट कर दो कि आपको कुछ भी अगर दिक्कत आ रही है टेस्ट में या क्लास में कोई टॉपिक नहीं समझा कोई टॉपिक फास्ट लगा कोई टॉपिक स्लो लगा आपको कोई लैंग्वेज नहीं समझी कोई एग्जाम्पल नहीं समझा कभी मैंने लिख के स्क्रीन को आगे बढ़ा दिया आप लिख नहीं पाए आप मुझे कम्युनिकेट कर दोगे तो मैं उस चीज पे ध्यान रख के वर्क कर पाऊंगा पहले मैं ना बोर्ड पे पढ़ाता था तो मेरा फॉन्ट साइज एक अपन लिखते अपने को तो दिखता ही सामने सामने तो कुछ कुछ बार क्या होता था पूरा क्वेश्चन करने के बाद इनकम टैक्स के जो टोटल इनकम के क्वेश्चन रहते हैं दस मार्क पंद्रह मार्क वाले वो पूरा कम से कम एक बोर्ड से, से, तो, से पता रहता था तो मैं पहले से बड़े फॉन्ट साइज में लिखता था अब तो हम लोग के पास में एक सुविधा अवेलेबल है तो इसमें तो जूम इन जूमआउट सब हो जाता है लेकिन आपकी तरफ एक चीज बस है कि आपने कम्युनिकेट करना है जो भी दिक्कत है इफ यू हैव एनी थिंग दैट यू थिंक आई कैन इम्प्रूव प्लीज कम एंड कम्युनिकेट आई विल सी हाउ इट कैन बी डन ऑल राइट मेरी तरफ से वो कमिटमेंट है आपको सो so, एक पचास हुआ है लेकिन मैं दो बजे तक लूंगा सर से मैंने परमिशन लिया है थोड़ा सा मुझे आपका ओपिनियन चाहिए था कि आप लोग जब ये शब्द ये तीन अक्षर आपके सामने आए तो आपके दिमाग में क्या क्या आता है वॉट वॉट आर द थिंग्स दैट कम टू योर माइंड बताइए हां जी ड्यूटी ओके ड्यूटी मतलब जिम्मेदारी वाली ड्यूटी कि मेरी ड्यूटी है पे करने की ओके गुड जस्ट कीप ऑन टेलिंग रैंडम वर्ड्स वन पर्सन वन वर्ड जिसका वर्ड आ गया वो दूसरा नहीं बताएगा हम इतने सारे लोग हैं सब अपना अपना वर्ड डालेंगे बोलते जाओ इकोनॉमी ओके हां जी रेवेन्यू गवर्नमेंट मेरा टारगेट है तीन मिनट के अंदर ये पूरा शीट भर जाना चाहिए ऑडिट अरे भाई ऑडिट ग्रुप टू का सब्जेक्ट है ना जीएसटी ग्रुप वन में ही है टैक्स का ही पार्ट है बट यस टैक्स ऑडिट होता है एग्जेमिशन सुना मैंने किसी का बोला अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जेपन भी सही वर्ड है क्योंकि आपको टैक्स के सब्जेक्ट में एग्जामेशन लाना है रिबेट और क्या कहा किसी ने टैक्स रेट्स बोलते जाओ बोलते जाओ मेरे को बोर्ड भरना है लोग लाइबिलिटी लाइबिलिटी और एक्सपेंडिचर किसी के लिए रेवेन्यू तो किसी के लिए एक्सपेंडिचर शर्मा सर के स्टूडेंट हो और बोलते जाओ इनकम सेल्स सरचार्ज सरचार्ज दो वैट कौन है ये जो सरचार्ज वैट बोलते जा रहे हैं वेरी गुड एल बीटी ला बहन टैक्स एल बी टी अब अब हो गया बहन तो ऐसे टैक्स नहीं मांग सकते और सेस एक्साइज, मोडवेट वेरी गुड कौन है भाई ये इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट वेरी गुड पढ़े आपने मॉडवेट के बारे में कुछ सुना है वेरी गुड मॉडवेट का नाम आया था गुड और बोलते जाओ बोलते जाओ क्या इतने से बता रहे हो फ्रॉड ये ये तो अपना रैंक होल्डर है ना बेटा बाद में अपने दिमाग को सही दिशा में चलाना फ्रॉड होने से रोकना ऐसा ना हाँ गुड <laughs> सही बोलो और पॉलिसी यस इट इज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी और सेंसेक्स रिटर्न और टीडीएस डी टी डी एस टेन डाउनिंग स्ट्रीट रामदास पेट में मस्त ओके आप पार्टी कर सकते हैं वहां पर और पर चलो असेसमेंट और बोलो इतनी सी बातें बता रही इतनी सारी जगह खाली है आई टी सी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये कितनी ज्ञानी वाली बात बोल दी जब भी टैक्स वर्ड आता है तो आपके दिमाग में क्या, हो? क्या टैक्स वर्ड आया तो आपके दिमाग में कौन सा शब्द आता है बोलते जाओ ठीक <laughs> है मैं यहां अंडरलाइन कर देता हूं ऑलरेडी है भाई और ओ टी एल ये कौन है बर्ड वाला है हाँ <laughs> मतलब अभी शानवार है हमको तो आता है ओटीएल पता है आईटीसी पता है वेरी गुड तुम लोग को भी समझ जाएगा तुमको अपडेटेड पढ़ाऊंगा इन लोगों को तो पुराना पढ़ाया ओके okay. <laughs> और बोलो बजेट वेरी गुड रेवेन्यू हो गया टैक्स इवेजन, ये फ्रॉड इवेजन ऐसे ऐसे शब्द आ रहे इस तरफ से कोने से अमेंडमेंट्स सर्क्यूलर नोटिफिकेशंस कौन कह रहे हैं ये सब अर्ली वर्ड वाले राइट नोटिफिकेशन ऑर्डर रूल्स सर्कुलर आ गया थ्रेशोल्ड अर्ली वाले थोड़ा सा म्यूट मोड में आ जाए <laughs> दो दिन तक ये लोग बोलेंगे उसके बाद इनकम टैक्स में सब एक बराबर है चिंता मत करो इनकम टैक्स का जानते हो कुछ ठीक हाँ। है गुड <laughs> हाँ, बोलता तो मेरे को टेंशन हो जाती थी ओके <laughs> <laughs> okay. हाँ? नहीं वैसे मैं जब एमसीक्यू सॉल्व करता तो ये लोग बराबर चेक करते कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है अरे भाई मैंने बनाया वो क्वेश्चन ओके <laughs> <laughs> okay. और बोलो अर्ली अर्लीवर्ड वाले म्यूट मोड में रहते हुए पेनल्टी ओके डिडक्शन सर स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी स्क्रू और टाइनी स्क्रू और लिमिट थ्रेशोल्ड लिमिट ये थ्रेश होल्ड वर्ड आ गया ना इधर थ्रेश होल्ड लिमिट गुड मार्जिनल रिलीफ बर्ड वाला बोला लेकिन अर्ली बर्ड में तो मैंने पढ़ा ही नहीं ये चीज बीबीए में पढ़ा क्या आपने हाँ कहीं तो भी पढ़ा है बुक में पढ़ा था कौन सी हां क्या मैंने इनकम टैक्स की बुक तो दिया ही नहीं अच्छा सीनियर से अच्छा वेरी गुड बहुत ही बढ़िया मतलब ये दिया दैट इज क्यूरियोसिटी गुड और स्लैम्स क्रेडिट स्कोर ओके ताहिर ओके okay. ताहिर नाम का मेरा 2014 बैच में स्टूडेंट था एक ओके okay, और टैक्स रिवीजन रिवीजन मतलब रिवीजन बैच अच्छा अच्छा अमेंडमेंट्स वगैरह ओके ओके okay, okay, रिवीजन इन द ओके okay, मुझे लगा रिवीजन बैच की बात कर रहे हो अमेंडमेंट बैच रिवीजन बैच फास्ट ट्रैक बैच टैक्स बैच रेगुलर बैच ओके okay, मतलब अभी अगर हम लोग एक्सप्लोर करते रहेंगे तो आई थिंक वर्ड्स आते ही जाएंगे वन आवर तक के हम लोग वर्ड्स को फिल कर सकते हैं आप में इतने तो कलेक्टिव पोटेंशियल है है कि नहीं है अर्ली वर्ड वालों को भी म्यूट ऑफ कर देंगे तो हो जाएगा सो वी नो सो मेनी थिंग्स वी जस्ट नो अबाउट दिस वर्ड्स हो सकता है हर किसी को हर कोई वर्ड नहीं पता है मेरी पिछली बैच में दो एक साल पहले की बैच में एक स्टूडेंट मैसेज करती सोर आज लोग बहुत बड़े बड़े वर्ड्स बोल रहे थे मुझे तो ज्यादा समझ ही नहीं आता तो मैंने कहा भैया पहला दिन था आज समझने का दिन ही नहीं था आज सिर्फ जिसको जो टर्म पता है कई वर्ड तो जिसने बोला ना उसको भी उसका मीनिंग नहीं पता बोल दिया बस कहीं से सुना था तो इसीलिए तो हम लोग हैं यहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी धीरे धीरे वन स्टेप एट ए टाइम कई बार ना वर्ड बहुत बड़ा भारी रहता है लेकिन उसका मीनिंग बहुत ही आसान सा रहता है बहुत ही चिल्लर सा रहता है तो मीनिंग पे हम लोग ज्यादा जोर देंगे उसके थ्रू वो टर्म तो ध्यान रह ही जाएगा तो अभी मैं आप लोगों से पूरी लिस्ट तो नहीं लेते बैठ रहा हूं यू हैव गिवन मी अ फेयर आइडिया कि क्या क्या टर्म्स आपको पता है एंड देर इज नो एंड टू दिस बट आई होप कि इफ नथिंग बट एटलीस्ट चार महीने के बाद जब क्लास खत्म होगी तो आपको इससे भी और ज्यादा बहुत सारे वर्ड्स पता रहेंगे अलॉन्ग विदर मीनिंग अलॉन्ग विदर एप्लीकेशन इज दैट फाइन इनफ टू एक्सपेक्ट आज से चार महीने बाद सो so, हम लोग का पैटर्न ऐसा रहेगा कि पहले हम लोग आज सिक्स फरवरी है तो अराउंड से ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल या थर्टीथ अप्रैल तक के ट्वेंटी फिफ्थ का टारगेट रहेगा ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तक के हम लोग इनकम टैक्स को कंप्लीट करेंगे इनकम टैक्स आपको कौन सा साल का एप्लीकेबल है कैसा चेंज होता है सब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा डोंट वरी ये इनकम टैक्स एक्ट है ये आप लोगों के लिए है ये मैं रोज क्लास में सर्कुलेट करूंगा रोज कोई ना कोई एक स्टूडेंट मुझे बताकर अपने घर लेके जा सकता है और जस्ट ऐसे पलटा के दे सकता है फील आना चाहिए मैंने कुछ सी लोगों से इंटरेक्शन किया तो उनकी कंप्लेन थी कि आर्टिकल्स कुछ ऐसे आते हैं जिनको बैरट ही नहीं पता रहता है क्या होता है तो मैंने जब स्टार्टिंग से ही ये सोचा कि नहीं स्टूडेंट्स को इसका फील रहना चाहिए पता रहना चाहिए बैरट क्या है फिर डाउनलोड कहां से कर सकते कहां देख सकते सब मैं आपको समझाऊंगा बिकॉज प्रैक्टिकली ये सब्जेक्ट आपके काम में आना चाहिए इट इज नॉट सम बायोलॉजी जो आप पढ़ रहे हो आपको डॉक्टर नहीं बनना है फिर भी बायोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग पूरे एनिमल की स्पीशीज के नाम याद रखते हैं उसका हमको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है बट ये तो आपके सीए के कोर्स का वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स है सीए फाइनल में 200 मार्क तो पक्के टैक्सेशन के हैं और अगर आपने ऑप्शनल में इंटरनेशनल टैक्स लिया तो तीन मार्क हो जाता है टैक्सेशन का सो so, मतलब आठ में से तीन मार्क सीए फाइनल में हो सकता है दो तो है ही है सो इट इज दैट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड सीए की प्रैक्टिस में टैक्सेशन इज वन ऑफ द कोर एरिया ऑफ प्रैक्टिस इसलिए अभी एक फ़रवरी को कुछ अमेंडमेंट आया तो सीए लोग थोड़े से घबराए हुए हैं कि अरे हमारी प्रैक्टिस थोड़ी कम हो जाएगी जो ऑडिट का जो टर्नओवर लिमिट है उसको बढ़ाने का प्रपोज किया गया है अभी तक सब, सब फाइनेंस बिल में है अभी उसका एक्ट बनने का है थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ा होगा बिल से एक्ट कैसे बनता है we'll discuss all that. Correct? दोनों हाउसेज में पास होता है प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है एक्ट बनता है फिर दूसरा कोई एक्ट चेंज होता है तो ये इतनी सारी चीजें हैं हम लोग 25 मई सॉरी 25 अप्रैल के अंदाज में इनकम टैक्स कंप्लीट करने का टारगेट रखेंगे आई विल ट्राई नॉट टू टेक योर क्लासेस ऑन संडेज बट अगर बीच में आपकी बीकॉम के एग्जाम्स है छुट्टियां होती है नागपुर यूनिवर्सिटी की जिसकी एग्जाम रहेगी उस दिन तो हम लोग उस दिन छुट्टी देते हैं फुल तो उस दिन आपको आ, उसका कवर अप करने के लिए लगेगा तो हमको उस समय दो तीन संडे लेना पड़ेगा तो लेंगे इज ये बैच में ज्यादा दिक्कत नहीं क्योंकि दिवाली वेकेशन बहुत बड़ी नहीं आती है होली वेकेशन बहुत लंबी नहीं देते हैं हम लोग है ना देन आखिरी में लास्ट थर्टी फाइव डेज अब हमारा टारगेट थोड़ा रिवाइज होकर थर्टी फर्स्ट मे या सेकेंड थर्ड जून हो चुका है जब तक हमको कंप्लीट करना है जीएसटी तीस अप्रैल तक की जो के जो जीएसटी के अमेंडमेंट्स हैं होते रहेंगे अभी बहुत वो आपके कोर्स में एप्लीकेबल रहेंगे नवंबर एग्जाम के लिए इसलिए मैं आपको पहले से जीएसटी की बुक दे नहीं रहा हूं अर्लीबर्ड वालों के पास है बट वो और उसमें चेंजेस होने वाले तो मैं अपडेट करके आपको रिवाइज बुक दूंगा तीस अप्रैल के डेट के जस्ट आगे पीछे ओके okay? तो तब हम पढ़ेंगे अभी से जीएसटी का चिंता मत करो बहुत क्यूरियोसिटी आ रही है तो अर्ली बर्ड वालों को बोलो बुक ले लो और देख लो कोई इश्यू नहीं है करेक्ट लेकिन अभी इनकम टैक्स में इतना हम लोगों को पढ़ाई करना है कि जीएसटी सोचने का टाइम ही नहीं है ऑलराइट राइट right? बहुत सारी चीजें हैं छोटी बड़ी बट मैं आपको पूरी डिटेल में अभी नहीं बता पाऊंगा बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल से हमारी बिल्कुल टाइम पे क्लास स्टार्ट होगी शर्मा सर नॉर्मली 11:30 डॉट या जस्ट दो तीन मिनट पहले छोड़ ही देते हैं तो आप लोग को जो भी है आप दस मिनट में निपटा लो इलेवन को बिल्कुल क्लास में चाहिए एंड आपको क्लास में टिफ़िन खाना है अलाउड है वी कैन अंडरस्टैंड यू आर ह्यूमन बींग्स भूख लगती है यही अगर फिल नहीं रहेगा तो फिर यहाँ का कोई इंटरेस्ट रहेगा तो आप खा सकते हो बट अपना पर्सनल टिफिन ओके okay? ऐसा नहीं कि ला एक पराठा दे रहे हैं अरे तेरी सब्जी कैसी है बता तो फिर वो नहीं चलेगा ताकि मुझे डिस्टर्ब ना हो आप खाते खाते ध्यान से सुनो और कुछ लिखने का है तो सब अपडेट कर रहे हो तो बहुत वेरी गुड आई एम हैप्पी ओके ऑल दो विल बी द दम रूल्स वी विल हैव अ डिस्टेंस इन आर रिलेशनशिप येट आई विल बी वेरी फ्रेंडली बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड विश लाइन्स टू क्रॉस एंड विश लाइन्स नॉट टू क्रॉस बोलने की भी जरूरत नहीं है हम लोग बहुत कुछ करेंगे साथ में सिर्फ टैक्स ही नहीं हम लोग हरसात में चार महीने की जर्नी छः महीने की जर्नी हम एक लाइफ में मैजिकल एक्सपीरियंस क्रिएट करेंगे एंड फॉर दैट आई एम गेटिंग वेरी गुड वाइब्स फ्रॉम यू पीपल एंड स्माइल्स जो आप लोग दे रहे हो आंखों से जो चमक दिख रही really, है रियली आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड बींग द फर्स्ट रेगुलर बैच ऑफ डी जी शर्मा स्कैप्स एक अलग ही लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है डायरेक्टर हमारा पोस्ट होगा लेकिन क्लासरूम में आई एम ऑलवेज अ टीचर एंड कोई मुझे ट्रेन में भी मिलता है कोई रैंडम स्ट्रेंजर या कहीं भी आई डोंट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई से कि मैं टीचर हूँ फिर ज्यादा पूछता है तो बताता हूँ मैं सीए भी हूँ मैं सीए बच्चों को पढ़ाता हूँ अदरवाइज लोगों को कई लोगों को तो ये लगता है कि मैं स्कूल का टीचर हूँ विच इज इवन अ मोर इम्पोर्टेंट थिंग ओके तो टीचर रहना बहुत ज्यादा मेरे लिए वैल्यूएबल है इफ आई वॉन्ट टू बी रिमेंबर्ड आफ्टर माई डेथ ऑल्सो आई विल लाइक टू बी रिमेंबर्ड एज अ टीचर जैसे कि हमारे ग्रेट पास्ट प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी रिमेंबर्ड है ओके ही वाज़ मेनी थिंग्स बट ही लाइक्स व्हेन पीपल कॉल ही टीचर सो आई एम अ टीचर बाय हार्ट एंड आई होप यू आल्सो विल बी माय स्टूडेंट्स बाय हार्ट लेट लेटेस्ट क्रिएट मैजिक टुगेदर, सी यू टुमोरो मॉर्निंग फ्रेंड्स इलेवन फोर्टी वी विल कंटिन्यू द जर्नी फ्रॉम हियर आगे बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास स्टोर में थैंक यू बाय बाय बता